मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल के 15वें सीजन से पहले जमकर पसीना बहा रहे हैं। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी प्रैक्टिस का एक वीडियो मुंबई इंडियंस टीम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। इस वीडियो में रोहित शर्मा जमकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी तक 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीत चुके रोहित शर्मा आईपीएल के सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं। मुंबई ने अपना आखिरी लीग खिताब साल 2020 में यूएई में खेले गए टूर्नामेंट दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता था। मुंबई ने 2019 और 2020 में लगातार 2 बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया था। एक बार फिर से मुंबई इंडियंस अपनी ट्रॉफी कैबिनेट में बढ़ोतरी के लिए मैदान में उतरेगी, जिसके लिए मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी में लॉफ्टेड शॉट से लेकर कवर ड्राइव, स्क्वायर कट और हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस भी करते नजर आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने इस वीडियो को फैंस की डिमांड बताते हुए पोस्ट किया है। रोहित शर्मा ने हाल ही में भारतीय टीम के कप्तान के रूप में एक सफल सीजन का अंत किया है। T20 वर्ल्ड कप के बाद से रोहित शर्मा ने 14 मुकाबलों में टीम इंडिया की कमान संभाली थी, जिसमें उन्होंने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की। हालांकि उनका बल्ला कोई खास पारी नहीं खेल पाया, जिससे उनके फैंस को थोड़ी निराशा का सामना जरूर करना पड़ा है। कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में अभी तक 213 मुकाबले खेल चुके हैं। रोहित ने 208 पारियों में 31.17 की औसत से 5611 रन बनाए हैं। उनके नाम लीग में एक शतक और 40 अर्धशतक हैं। रोहित ने कोलकाता के खिलाफ शतक जड़ा था। मुंबई के फैंस को रोहित की कप्तानी के साथ उनकी बड़ी पारी देखने की भी उम्मीद रहेगी। मुंबई को अपने अभियान की शुरुआत 27 मार्च को बेयरबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली के खिलाफ मुकाबले से करनी है। देखना होगा कि इस मुकाबले में रोहित शर्मा किस तरह की दमदार पारी खेलते हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।